और चुनावी मैदान में अब धीरे धीरे मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां मध्य प्रदेश में सोच समझकर टिकटों का ऐलान कर रही हैं। विंध्य में एक ऐसी सीट है जहां मुकाबला रोचक होने वाला है। रीवा जिले के सिरमौर विधानसभा सीट पर एक राज परिवार के युवराज का सामना एक आम आदिवासी उम्मीदवार से होना है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जनजातीय समाज को उनकी संस्कृति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश आकर जनजातीय समूह से संवाद किया। मध्य प्रदेश की सत्ता किसके हाथ में जाएगी, इसमें आदिवासियों की अहम भूमिका है। विंध्य को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार यहां की सिरमौर सीट पर बेहद ही रोचक मुकाबला है। दो बार के विधायक और रीवा राजघराने के युवराज दिव्यराज सिंह को बीजेपी ने फिर से टिकट दिया है। युवराज के सामने कांग्रेस ने राम गरीब कोल को टिकट दिया है, जो आदिवासी हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ इसे राजा और रंग का मुकाबला मान रहे हैं। युवराज के सामने एक आदिवासी को खड़ा करना कांग्रेस की बड़ी सियासी चाल है, वजह भी है। राज्य में 10 लाख से ज्यादा अधिक आबादी कोल समाज की है। जनजाति एक दर्जन से ज्यादा सीटों पर निर्णायक भूमिका में है। राम गरीब साल 2008 में बसपा से त्योंथर सीट के विधायक बने थे। 2008 में तत्कालीन मंत्री रमाकांत तिवारी को उन्होंने हराया था। 1990 के बाद से ही त्योंथर सीट में कभी भी कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। आजादी के बाद दशकों तक जिन्होंने देश में सरकार चलाई, उन्होंने अपनी स्वार्थ भरी राजनीति को ही प्राथमिकता दी। देश की आबादी का करीब करीब 10% होने के बावजूद दशकों तक जनजातीय समाज को उनकी संस्कृति, उनके सामर्थ्य को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। आदिवासियों का दुख, उनकी तकलीफ, बच्चों की शिक्षा, आदिवासियों का स्वास्थ्य, उन लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता था। कांग्रेस कोल समाज के जरिए एसटी वोटर्स पर भी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। विंध्य के राजनीतिक समीकरण की अगर बात की जाए तो यहाँ की 30 सीटों में से 24 पर भाजपा का कब्जा है। ब्राह्मण आदिवासियों का वर्चस्व यहाँ पर हावी है। 2018 में कांग्रेस को मात्र 6 सीटें ही हासिल हुई थी। 34% ब्राह्मणों के साथ 26% ओबीसी भी इस पर प्रभाव डालेंगे। 2003 के चुनाव में 28 में से 18 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। 2008 में भाजपा ने 24 सीटों पर कब्जा जमाया था, तो वहीं 2013 के चुनावों में 17 सीटें ही हासिल हो सकी थी। कांग्रेस ने बीजेपी पर आदिवासियों की अनदेखी का आरोप लगाया है, तो इस पूरे मुद्दे को लेकर बीजेपी भी हमलावर है। देखिए, यही अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अंदर। हमने हमारे जमीनी कार्यकर्ता को, आदिवासी बैकग्राउंड से आने वाले व्यक्ति को, जो आरक्षित सीट नहीं थी आदिवासी वर्ग के लिए, सामान्य सीट से उतारने का काम किया। कमलनाथ जी का आदिवासियों के साथ खड़े रहने का सबसे बड़ा प्रमाण है। और राजे महाराजे रजवाड़े वाले जो है बीजेपी की तरफ से आने वाले हैं हमेशा से। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रत्याशी गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए, उसको नीचे तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध होता है। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी प्रत्याशी उतारा है वो गरीब कल्याण के लिए उतारा है। अभी तक 2003 से लेकर 2023 तक मध्य प्रदेश ने जो विकास की यात्रा तय की, उसमें गरीब को जिस प्रकार से ऊपर निकालकर उसको समानता का अधिकार दिलाया, उसकी जरूरतों को ध्यान में रखकर आगे योजनाएं लागू करी, तो उसी को आगे बढ़ाने के लिए हमारे प्रत्याशी गरीब कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें गरीब और अमीर की कोई बात नहीं है। मध्य प्रदेश की राजनीति अब राजा और रंग पर आ चुकी है, क्योंकि कांग्रेस भी अपने कई दांव इस विधानसभा चुनाव में खेलती हुई नजर आती है। मध्य प्रदेश में कहा जाता है कि जहां पर आदिवासी उन्हीं की सरकार, इसी कारण आदिवासियों पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों का मुख्य फोकस है। लेकिन एक युवराज के सामने एक आदिवासी को उतारकर कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। फिलहाल ये आदिवासी चेहरा कांग्रेस को कितना फायदा दिलाता है, ये देखना काफी दिलचस्प आने वाले 2023 के विधानसभा चुनावों में होगा। कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी।